सबसे पहला काम दोस्तों देख सकते हैं, पानी गिराने के लिए बंदे ने हमारे वाल्व जो है चालू कर दिया है। और वाल्व चालू हो गया है दोस्तों, तो अब ना इसका सारा पानी पहले निकालेंगे अपन। पूरा पानी निकालने के बाद वो पंखा भी बंद कर दो, वो अपने सर वाला पूरा पानी निकाल देंगे। और पानी निकालने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे कि मुर्गे को कम से कम 1 घंटे के लिए प्यासा छोड़ा जाएगा। 1 घंटा मुर्गा बिना पानी के रहना चाहिए, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में ना दिक्कत है, इसलिए इसको पहले ना पानी एकदम से नहीं देना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि इस बर्ड में हमारे, हम बीच में 3-4 दिनों के लिए जो बाहर चले गए थे ना, उसकी वजह से दोस्तों इन्होंने ना रात में पर्दा जो है बंद नहीं किया। और पर्दा ना बंद करने की वजह से डायरेक्ट बर्ड को क्या हुआ कि गर्मी लग गई, सर्दी लग गई, हवाएँ लगी, जिसकी वजह से दोस्तों इस बर्ड में हमारे आ गई है सीआरडी। और ये सीआरडी दोस्तों कल जब मैं फार्म पे आया था तो वही मान के चले 2 बजे के करीब में मैं आया, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही मैं थोड़ी देर के लिए फार्म पे पहुंचा तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ी बहुत साउंड तो मुझे लगा, बट इनकी एक्टिविटी जो थी वो ठीक थी। तो मैं 10 मिनट के लिए आया था, इसके बाद मैं चला गया। तो फिर दोबारा आज जैसे ही मैं सुबह में आया ना, मैंने देखा कि बर्ड में साउंड है और साउंड के साथ साथ में दोस्तों अपना बर्ड जो है ना सुस्त पड़ रहा है। और जब हमने इसको देखा है, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब आपके मुर्गे में ना सीआरडी होगी और सीआरडी के बाद में मोटिलिटी अगर होती है तो उसका नाक जो है ना पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है और बर्ड ना खुच 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 की आवाज़ करने लगता है। बर्ड इस तरह से मरेगा, ऐसे अपनी गर्दन को ऐंठ करके मरता है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले चेक करने के लिए हम इसका नाक दबाएंगे तेज़ी से। और जब हम नाक दबाते हैं ना तो है ये, आपको दिख रहा होगा ये निकल रहा है दोस्तों, देखिए यही है सीआरडी का सबसे मेन लक्षण, यही है, इसी से पहचाना जाता है कि हमारे मुर्गे में सीआरडी है दोस्तों, अगर आप बिना पोस्टमार्टम के पहचानना चाह रहे हो तो यही है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अभी जो है मंगा लिया है तुरंत, ये है हमारा डोलो 500 mg जो होता है दोस्तों, इसका ही प्रयोग करना है अपने को। और फिर इसके बाद में ये देखिए, ये है अजिथ्रोमाइसिन 500 mg का, ठीक है। तो ये दोनों दवाएं दोस्तों काफ़ी महंगी पड़ती हैं अपने को, लेकिन अब मजबूरी इस बात की है कि अगर हम इसको टाइम से नहीं चलाएंगे तो हमारा मुर्गा क्या करेगा कि फीड भी खाएगा और साथ में वज़न भी कम आएगा। अब अगर फीड खा रहा है लगातार तो उससे कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे जो हमारा जो FCR है उसको ये प्रभावित करेगा। और बर्ड हो चुका है 1 kg बॉडी वेट का, तो जितना ज़्यादा मरेगा उसमें भी हमारा नुकसान है। तो इसके लिए हमें ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी दिख गई है उसका इलाज करना है तो समय रहते तुरंत इमिडिएटली इलाज करना होगा। हम आपको अजिथ्रोमाइसिन को अंदर से खोल के दिखा रहे हैं, इसको ज़रा खोलो ना, निकालो तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ना 3 टेबलेट सिर्फ होते हैं 1 डिब्बे में ये अजिथ्रोमाइसिन के। तो ये हम ले रहे हैं, ये हमें लेना है, ये हमारा लगेगा दोस्तों। तो ये 75 किलो पे 1 टेबलेट, यानी 75 kg बॉडी वेट पे हमको 1 टेबलेट ही चलाना है। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने ये सारी दवाएं जो है मंगा ली है। और अभी इसको कैसे लगाना है दोस्तों वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और आगे आपको और भी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों कि इसको चलाने के बाद में, चलाने ये दवा पानी में डालने के पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तभी ये दवा जो है अच्छे से तुरंत इमिडिएटली काम कर जाती है दोस्तों। तो उसके लिए ना सबसे पहली चीज़ आपको शाम के समय पे इसको आपको देना है दोस्तों।
सीआरडी के दोस्तों, ये जो लक्षण जिससे आप पहचान सकते हो, ये ना इसमें होता क्या है कि आपको बर्ड ना कभी पलट के मरा, जैसे जब भाई नाक ना बंद हो जाता है और मुंह भी बंद हो जाता है, मुंह से खोल करके सांस लेना शुरू कर देता है बर्ड, और एक साउंड घुर घुर की साउंड होती है, कभी कभी ये साउंड नहीं होती है, तो बर्ड आपका ऐसे ही रहता है लेकिन खिच फुच करता रहता है। जैसे ही ये दिखे दोस्तों, आपको इस तरह के लक्षण दिखे, तो आपको तुरंत एजिथ्रोमाइसिन 70 किलो बॉडी वेट पे या 75 किलो बॉडी वेट पे एक टेबलेट ले लेना है, और उसके बाद में आपको डोलो 500 mg का, वो भी एजिथ्रोमाइसिन भी 500 mg और डोलो 500 mg, ये दोनों आपको ले करके 75 या 70 किलो बॉडी वेट पे चला देना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका और भी सिम्टम्स दिखा सकता था, इसके जो गले में कैसे ब्लॉक होता है, उसका टर्किया कैसे ब्लॉक होता है, और क्या क्या इसके लक्षण हैं दोस्तों। अगर आप पोस्टमार्टम करके जानना चाह रहे हो कि भाई पोस्टमार्टम अगर हम ऊपर नाक दबाने से नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि, लेकिन वो चीज़ें मैं एक्चुअली नहीं दिखा सकता दोस्त, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये ना YouTube का जो क्राइटेरिया है ना, वो ये सारी चीज़ें जो इसकी गाइडलाइन है उसमें ना ब्लड वगैरह या इस तरह से डायरेक्ट पोस्टमार्टम मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक बार मेरे चैनल पे ऐसा हो गया था जिसकी वजह से हमें मुसीबत झेलनी पड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं उस दिक्कत में ना आऊँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है दोस्तों कि जितने भी हमारे मेंबर बंदे हैं, मैं उनको ना पूरा इसको फाड़ करके और जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको बता दूंगा कि बॉडी पार्ट कहाँ कहाँ से डैमेज होता है, कैसे आप कटिंग करेंगे, कैसे आप देखेंगे कि जो सीआरडी आती है उस टाइम पे कहाँ कहाँ पे बर्ड का कौन कौन सा बॉडी पार्ट डैमेज होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो बना करके और ग्रुप में मैं डाल दूंगा। बाकी जितने भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको मैं पर्सनल भी भेज दूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे, क्योंकि अभी ना करेंटली ये बीमारी हमारे यहाँ आ गई है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरा विधिवत जानकारी दे दूंगा, उसका ज्ञान करा दूंगा कि अगर कभी आपके फार्म में आती है समस्या तो आप लोगों को कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसा सिम्टम्स देखिए, लक्षण देख लीजिए, लक्षण देखने के बाद में डायरेक्ट आपको ये दवा चला देनी है जो अभी हमने बताया है। ये दवा थोड़ी कास्टली ज़रूर पड़ती है दोस्तों, लेकिन एकदम से समझ लीजिए तुरंत काम करती है, अल्टीमेटली जैसे ही आप लगाएंगे ना, सडनली दूसरे दिन पूरा रुतबा बदल जाएगा बर्ड का, तो ये दवा देनी है दोस्तों। और इसके बाद में किडनी प्रेशर दे देना है ताकि बर्ड जो पानी इंटेक कम कर देता है वो पानी इंटेक को बढ़ाए रखे, तो ये ऐसा करना है। अगर किसी भी भाई को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे मेरे नंबर 84002375712 इस नंबर पे वो कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्या क्या दिक्कतें होती है। बाकी दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के फार्म में अगर सीआरडी आए तो आप लोग जिस तरह से मैंने अभी बताया है, इस तरह से आप लोग उनके लक्षणों को पहचान सकते हैं और अपने बर्ड का अपने आप से आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।